डालोगम। इस गांव में अधिकतर सवारा और कोरा जनजाति के लोग रहते हैं। इसी गांव की सरपंच हैं चंद्रम्मा। एमए बीएड पास चंद्रम्मा अपने परिवार से राजनीति में आने वाली पहली व्यक्ति और कोंडालोगम की पहली महिला सरपंच हैं। इस पंचायत में पहले सड़क और पानी की बहुत समस्या थी। सरपंच बनने से पहले चंद्रम्मा गांव के स्कूल में स्वेच्छा से शिक्षण कार्य करती थीं। अगली बार जब सरपंच चुनने की बारी आई तो ग्रामवासियों की नज़र में चंद्रम्मा आदर्श प्रत्याशी बनकर उभरी। इस साल चुनाव स्थगित कर दिए गए और चंद्रम्मा को सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया। लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से सरपंच चुना। पहले पीने के पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब एमएलए और ZPTC की सहायता से नलकूप लगे हैं और पानी की समस्या दूर हो गई है। चंद्रम्मा किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए अपनी सूझबूझ से काम लेती हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने महंगा होने के बावजूद LED का चुनाव किया, क्योंकि तेज हवाओं वाला इलाका होने के कारण साधारण बल्ब यहाँ जल्दी टूट जाते हैं। छोटे बल्ब अच्छे नहीं थे, इन नई LED लाइट से लोग बहुत खुश हैं। अब बच्चे, बूढ़े, औरतें और सभी लोग रात में भी बेफिक्री से घूम सकते हैं। सांप और कीड़े मकौड़ों का डर नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये बल्ब लगवाए हैं। चंद्रम्मा ने गांव के लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। शादी और शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। मैं लड़कियों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती हूँ। इनके प्रयासों के फलस्वरूप अब इस पंचायत में 5 प्राइमरी स्कूल हैं। लड़कियों के लिए एक आवासीय हाई स्कूल भी है, जहाँ 700 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जनजातीय इलाके में ST सरपंच होने से यहाँ के बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी और निडर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शिक्षा की ओर लोगों का मार्गदर्शन करना मेरा मुख्य उद्देश्य है।